हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड प्लेटेड टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे लाइक वाओ। उसके बाद पिक टूल लेकर उसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद इसका फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद अरेंज मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इसके अंदर हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं, व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद हम टूल बॉक्स में से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल। अब जैसे हम अपने इस वाले टेक्स्ट को जूम करके देखते हैं कि जैसे इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्टूर अप्लाई किया हुआ है, इसी तरह का कॉन्टूर अब हम अपने इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेटिंग है वो आउटसाइड होनी चाहिए। कॉन्टूर के जो स्टेप्स हैं वो 1 रहेंगे और यहाँ पर हम सेट करते हैं कॉन्टूर ऑफसेट 0.3, एंटर। इस तरह का ऑफसेट सेट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने इस टेक्स्ट को पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, देन अरेंज मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे ब्रेक कॉन्टूर ग्रुप अपार्ट। अब हम अपने इस टेक्स्ट को हमने ग्रुप किया है कॉन्टूर से, उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। आप इसको मूव करके देखेंगे तो आप देखेंगे आउटलाइन अलग हो जाएगी और टेक्स्ट अलग हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फाउंटेन फिल फिल करेंगे। फाउंटेन फिल के लिए पहले तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाकर सेलेक्ट करेंगे फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल में कोरल ड्रॉ में पहले से ही प्रीसेट्स में कुछ प्रीसेट्स होते हैं, तो यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे गोल्ड प्लेटेड। इस पे क्लिक करते हैं, सेम इफेक्ट आएगा, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का इफेक्ट है। तो इसके लिए हम कॉनिकल की जगह सेलेक्ट करेंगे लीनियर और एंगल यहाँ पे सेट करेंगे 90 और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो टेक्स्ट में वही सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर से फाउंटेन फिल में जाएंगे, प्रीसेट्स में से दोबारा से गोल्ड प्लेटेड सेलेक्ट करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे लीनियर, एंगल रहेगा 90। अब यहाँ पर आउटलाइन के लिए कुछ कलर स्वाचेस ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, एक हम यहाँ पर सेट करते हैं 75 पर, इसी तरह से एक ऐड करेंगे 12 पर, एक 29 पर, एक 50 पर, एक 89 पर। 89 पर ऐड करने के बाद हम 12 वाले पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर कलर फिल करेंगे रूबी रेड। इसी तरह से 89 वाले को सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी रूबी रेड कलर फिल होगा। उसके बाद हम एक और नोड ऐड करेंगे 39 पर, जिसमें हम कलर फिल करेंगे गोल्ड कलर। ऐसे एक नोड ऐड करेंगे 63 पर, उसमें भी गोल्ड कलर फिल करेंगे, और एक ऐड करेंगे 34 पर और उसमें रूबी रेड कलर फिल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, यहाँ पर 50 वाले को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इसी तरह से 63 वाले को भी थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, ऐसे ही 12 वाले को इस तरह से ऐड कर देंगे, इस तरह से इसको ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सेम इफेक्ट अप्लाई करने के बाद हम अपनी सिर्फ आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, कॉन्टूर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो, उसको ड्रैग कर देंगे। इस लैडर को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि शेडो थोड़ी डार्क दिखाई दे। उसके बाद फिर से पिक टूल से हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे और इस तरह से सेम टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप पूरे को सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाकर यहाँ से कर देंगे ग्रुप, तो आप देखेंगे कि वही सेम टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड प्लेटेड टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से टेक्स्ट